बच्चों अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के और एक विशेष गुणधर्म को देखेंगे और उसको सिद्ध भी करेंगे। ये गुणधर्म है पहला गुणधर्म है थ्री इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, जहां x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ इन क्लोज इंटरवल। दूसरा गुणधर्म है 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, जहां x बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल हाफ टू 1। और तीसरा गुणधर्म है 3 tan inverse x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहां x बिलोंग्स टू माइनस 1/√3 टू प्लस 1/√3 इन क्लोज इंटरवल। तो बच्चों हम इन गुणधर्मों को एक एक करके सिद्ध करेंगे और इसके शर्तों की जांच करेंगे। चलिए हम फर्स्ट पहला लेते हैं। हम इसमें राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। पहला वाला देखिए, राइट हैंड साइड ये है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें उचित प्रतिस्थापन करते हैं। अब ध्यान देने बच्चों, यहाँ पर उचित प्रतिस्थापन क्या होगा, यही इसमें इम्पोर्टेंस है, क्या प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है तो जनरली हम इसको साइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यदि हम एक्स की जगह पर साइन थीटा प्रतिस्थापित करते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, देयर एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसमें हम रखते हैं तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 sin θ माइनस 4 sin³θ। अब ये फार्मूला आपको जानना है बच्चों, 3 sin θ माइनस 4 sin³θ, ये sin³θ का फार्मूला है। ये आपको 11वीं कक्षा में त्रिकोणमिति चैप्टर में आपने ये फार्मूला पढ़ा है। अब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रूट एक्स लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 3θ। तो ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है बच्चों। क्या यहाँ पर साइन 3θ का सूत्र इस्तेमाल हुआ है, 3 sin θ माइनस 4 sin³θ होता है, और दूसरा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम यहां पर ये हो जाएगा आपका 3θ, थीटा का मान वापस रखिए 3 sin inverse x और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम राइट हैंड साइड को लेकर के एक त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, हम इसके उत्तर की जांच शर्त की जांच करते हैं। इसमें शर्त क्या है, एक्स बिलोंग टू माइनस हाफ टू हाफ। शर्त की जांच, तो बच्चों देखिए यहां पर ये साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स फलन का परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स फलन का जो रेंज होता है यानी परिसर जो होता है
वो इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। इसका मतलब ये जो आउटपुट मिल रहा है, इसको हल करने पर जो आउटपुट जो मिल रहा है वो इसको बिलोंग करना चाहिए, यानी इसके अंतर्गत आना चाहिए। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू इज लेस देन आर इक्वल टू थ्री साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस पाई बाई टू। तो पहले हम थ्री हटाते हैं तो तीन से भाग दे दीजिए, तो माइनस आप पाई बाई सिक्स इज लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई सिक्स। अब एक्स एक्स जो है माइनस हाफ से हाफ तक, तो साइन इनवर्स हटाने के लिए टेकिंग साइन साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स इज लेस देन आर इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई सिक्स। इसको सरल कीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस साइन पाई बाई सिक्स, ये हो गया एक्स और ये साइन पाई बाई सिक्स। तो साइन पाई बाई सिक्स हाफ होता है, देयरफॉर माइनस हाफ इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस हाफ। देयरफॉर क्या मिला बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल माइनस हाफ टू हाफ। तो इस प्रकार से हम जो शर्त दिया है वो सही है, इसकी हम जांच कर सकते हैं। इसका मतलब है इस शर्त के लिए ही ये लागू होता है। ठीक है बच्चों, आइए हम अब दूसरा वाला गुणधर्म की सिद्ध करते हैं और उसके शर्त की जांच करते हैं। बच्चों इसका दूसरा भाग देखिए, दूसरा जो गुणधर्म है उसको हल करते हैं। यहां पर भी हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, इसका राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। बच्चों यहाँ पर भी हम उचित त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करेंगे, तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयर इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। तो राइट हैंड साइड यानी मान रखने पर कॉस इनवर्स ऑफ 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ। अब इस सूत्र को ध्यान रखना है बच्चों, ये याद रखना है 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ये cos³θ का फार्मूला है। अब यहाँ पर भी गुणधर्म लगा दो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होता है, तो ये आ गया 3θ और ये हो गया 3 × θ, थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इसका हल तो बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत छोटा है, आसानी से हो गया। यहाँ पर जो जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है आप साइड में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया cos³θ का सूत्र, इसको याद रखना है 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ये आपने अप्लाई किया। यहाँ पर आपने अप्लाई किया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, पूर्व के गुणधर्मों का आपने उपयोग किया है। ठीक है, और इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अब हम इसके शर्तों की जांच करते हैं। तो शर्त की जांच, इसमें जो शर्त इन्होंने लिखा है एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल हाफ टू वन, तो यहां पर ये सीखने बच्चों कि ये जो कॉस इनवर्स है उसका आउटपुट 0 to π इनक्लोज इंटरवल होता है। हम लिख लें, क्योंकि कॉस इनवर्स फलन का परिसर जो होता है वो 0 to π इनक्लोज इंटरवल होता है, इसका मतलब ये इसको बिलोंग करना चाहिए, अर्थात 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 cos इनवर्स ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू π। देयर एम्प्लाइज अब हमको x निकालना है। आप देखिए ये शर्त है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। तो x निकालना है, पहले 3 हटाओ, 0/3 सबको 3 से डिवाइड कर दो, π/3 हो गया। अब ये लगाओ cos, cos 0 इज लेस देन cos ऑफ
cos inverse x is less than or equal to cos pi by 3. Cos 0. अब यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखना है इसमें, ये खास बात है इसमें, जब हम cos लगाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि cos थीटा का मान शून्य से पाई तक, जब हम शून्य से पाई तक लेते हैं घटते जाता है, तो चूंकि cos थीटा का मान शून्य से पाई तक घटता है, इसलिए यहां पर खास बात जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है, ये असमीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर, कास जीरो वन होता है, और कास पाई बाई थ्री यानी कास सिक्सटी, कास सिक्सटी होता है वन बाई टू, ठीक है बच्चों। तो या हम इसको लिख सकते हैं या वन बाई टू इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू इनक्लोज इंटरवल हाफ टू वन। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, ठीक है, जीरो से पाई तक कास का मान, ठीक है, घटता है, तो इसको याद रखिए, कास जीरो वन होता है, फिर कास थर्टी रूट थ्री बाई टू होता है, कास फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू होता है, कास सिक्सटी वन बाई टू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कास पाई माइनस वन होता है, तो यहीं पर आपको जब कास लेते हैं इसमें तो ये ध्यान रखना है, असमीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है जो सत्य है, ठीक है बच्चों। अब इसका तीसरा भाग आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, ये जो तीसरा भाग है ठीक इसी प्रकार से, इसमें टेन थ्री थीटा एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, और थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थ्री थीटा का फार्मूला है, और आपको जवाब थ्री टेन इनवर्स एक्स मिलेगा। तो तीसरा भाग बच्चों आप स्वयं करेंगे,